आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री खजराट पाशना दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एनक्लेव कमलानगर में श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। महोत्सव में पांचवें दिन आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तजनों ने भगवान श्री 108 आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक की खुशियों को मनाते हुए श्री जी की आराधना की। कमलानगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री खजराट पाशना दिगंबर जैन मंदिर में श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। महोत्सव में पांचवें दिन आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तजनों ने भगवान श्री 108 आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक की खुशियों को मनाते हुए श्री जी की आराधना की। आकर के रम जाना, मन जब कहीं ना लगे ओ मंदिर जी में आ जाना। श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम में विराजमान आचार्य श्री 108 गे सागर जी महाराज ने भक्त जनों को मुनि महाराज को आहार देने के धार्मिक महत्व पर प्रवचन देते हुए भक्त जनों में धर्म की प्रभावना की। आहार की भी जरूरत नहीं होती है, मगर ये उनको मालूम था कि भविष्य में आहारचर्या के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए दान तीर्थ परिवर्तन के रूप में आज उनको आहारचर्या लेके निकलना पड़ा। कहते हैं 6 महीने तक तो दीक्षा के समय से ही संकल्प लेकर वो अपनी साधना में बैठे थे और 6 महीने बाद जब आहारचर्या को निकले तो फिर उनको 6 महीना और 7 दिन या कहीं 13 दिन का विधान आता है कि उनको आहारचर्या कराने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि विधि कोई नहीं जानते थे। और ये भी विधि का विधान ही है कि जैसे मौसिका लगाने के लिए जब उन्होंने कृषि 5 तरह के जो असीम असी कृषि वाणिज्य और शिल्प इन 5 कार्यों का उपदेश देकर श्रावकों को बताया था सटावश्यक कार्य कैसे करने हैं आपको, आज भी उन्हीं के अनुरूप पूरा संसार चल रहा है। आज भी वही 5 किसी में से और व्यापार वाणिज्य शिल्प के हिसाब से ही आज भी सब चल रहे हैं। श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्त जनों ने विधि विधान से श्री जी की पूजा अर्चना करा रहे बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी ने बताया कि 7 दिवसीय श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसम प्रतिष्ठा महोत्सव का काफी महत्व होता है। इस महोत्सव में पाषाण से किस तरह भगवान बनते हैं इसके दर्शन करने का सौभाग्य भक्त जनों को मिल रहा है। आज 5वें दिन राजा श्रेयांश स्वरूप अम्बुज जैन ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मुनि आदित्य महाराज को आहारचर्या के दौरान आहार देने का धर्म लाभ लिया। आज भगवान को केवल ज्ञान का पावन दिन है। पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया आज ही के दिन पूरी होती है और उसके पूर्व में चूंकि कल तप कल्याणक हुआ था इसलिए आज महामुनिराज आदिनाथ महाराज की प्रथम आहारचर्या हुई जो राजा श्रीनांश जी और राजा सोम जी के माध्यम से आज सानंद संपन्न हुई है। आज का दिन एक ऐसा पावन दिन है कि सदी में इस युग के प्रवर्तक आदिनाथ भगवान ने जहाँ पर धर्म तीर्थ का परिवर्तन किया वहीं पर सबसे पहले इस सदी में दान तीर्थ का परिवर्तन राजा श्रेयांश के द्वारा संपन्न हुआ था। दान धर्म की शुरुआत, आहार दान की शुरुआत, मुनि की चर्या कैसी क्या होती है इस सब से उस समय लोग अनभिज्ञ थे और राजा श्रेयांश के माध्यम से हम सबको ये सब पर जानकारी मिली। इस धार्मिक आयोजन में पत्नी सहित मुनि श्री आदिनाथ को आहार दान कर अम्बुज जैन काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रभु को आहार देकर उनका जीवन धन्य हो गया। मैं अभी मेरे को राजा श्रेयांश बनने का मौका मिला। भगवान आदिनाथ को जो महामुनि मुद्रा में थे उस समय उन्हें आहार देने का प्रथम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और आज आदिनाथ मुनिराज को पहली बार 6 महीने के बाद इक्षुरस का आहार देने का मौका मिला है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें मिला है आज यहाँ पे, तो इसके लिए हम बहुत हृदय से, मैं और मेरा परिवार हृदय से आभारी हैं। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था एक मूर्ति पारसनाथ की कर्मियों की मंदिर को मैं रखने को मेरे को सौभाग्य मिला, उसके बाद में 4 मूर्तियाँ मान स्तंभ पर रखने का मेरे को सौभाग्य मिला है।
सात दिवसीय श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक मानसधन प्रतिष्ठा महोत्सव 14 दिसंबर को समाप्त होगा। इस महोत्सव को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।